हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओपीजी 925 रेलवे में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है। दोस्तों, अहमदाबाद बोर्ड के जो भी छात्र हैं उनके लिए डीवी की शेड्यूल आउट कर दी गई है। डीवी में जाने से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारा कुछ ऑफिशियल नोटिस में बता दिया गया है, हम लोग चल के देख लेते हैं। उससे पहले मेरे आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग ऑफिशियल साइट पर, चलिए चल के देख लेते हैं क्या बताया गया है। दोस्तों देखिए, दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे हम लोग चल के देख लेंगे ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया गया है। ये नीचे यहाँ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है 15 तारीख के डेट में यहाँ दिया गया, नोटिस टू दी कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पे लेवल 5 CN नंबर 1/2019। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देख लेंगे क्या बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं आरआरबी अहमदाबाद के ऑफिशियल नोटिस में। यहाँ चल के हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि नोटिस में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद। ठीक है, CN 1/2019, NTPC लेवल 5, नोटिस टू कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 5। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर में क्या बताया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड कैटेगरी नंबर 3, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 5 एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कैटेगरी नंबर 6 वाज नोटिफाइड रिजल्ट डेटेड 10/12/22 ऑन दी वेबसाइट। ठीक है, 10/12/22 को आपके रिजल्ट इसमें आ गया था आरआरबी अहमदाबाद में। डीवी फॉर दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे डीवी का बताया गया है शेड्यूल 26/12/22 से लेकर 5/1/2023 तक आपका पूरा डीवी का शेड्यूल यही दिया गया है दोस्तों। इसी के बीच में आप लोग का होना है और 9 बजे सुबह में दोस्तों स्टार्टिंग है इसका। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईमेल एसएमएस के माध्यम से आप लोग को रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आप लोग को ई कॉल लेटर की सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, डाउनलोड करने के यहाँ देखिए दीजिएगा दोस्तों, यहाँ दिया गया सेकंड नंबर में फेलियर टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेंटामाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर इन केस ऑफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ यू अपेयरिंग इन ए यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पर्सनल सिकनेस। यानी कि यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो भी डीवी का इनको शेड्यूल दिया गया है 26/12/22 से लेकर 5/1/2023, इसके बीच में अगर कोई कैंडिडेट्स अब्सेंट हो जाते हैं, उनका रीजन हो सकता है कि उनका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर पर्सनल सिकनेस, किन्हीं का तबीयत ख़राब हो गया हो। ठीक है, ये बहुत सारे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दोस्तों देखिएगा एक ब्लॉक डेट दी गई है 9/1/2023 को 9 बजे सुबह में आके अपना करा लेंगे डीवी। ठीक है, और प्रॉपर आपको इसका रीज़न लेके आना होगा, एक एविडेंस प्रूफ के साथ आना होगा कि आपका आपके साथ क्या मतलब हुआ था, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, उसका प्रूफ लेके आना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, दिस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डीवी शूड प्रोड्यूस ऑल देयर रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि उससे संबंधित सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे और सभी का 2-2 जेरोक्स कॉपी आप ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ में ई कॉल लेटर भी। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है फोर्थ नंबर में देख लेते हैं, कैंडिडेट्स में नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी, ठीक है, डीवी ख़त्म होने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा दोस्तों, उसके डीवी के अगले दिन। ठीक है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होकर आइएगा, कम से कम 3 से 4 दिनों का समय है दोस्तों इसमें आपका जाएगा टोटल डीवी और मेडिकल में दोस्तों। रेलवे की इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे जैसे अपडेट आते जाएगी आपको मिलते जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।